क्वेश्चन नंबर 70 70 है, एक मिनट बस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मटेरियल क्वेश्चंस अगेंस्ट स्टॉक आउट। देखो इसके अंदर अगर हम इस वर्ड का मतलब जान ले कुछ पता लग जाएगा। मैं आंसर से पहले एक एग्जांपल बताता हूँ। जब हम किसी भी साइट पर जाते हैं, जो भी कोई साइट होगी, मान लो सेफ साइट नहीं है, तो हमारा जो ब्राउजर है ना उस पर लिखा आता है क्वेश्चन क्वेश्चन करके, फिर आगे की दिस साइट में भी थ्रेट और वायरस कंटेनिंग कुछ भी आता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, चेतावनी देता है कि आगे जाओगे तो फंसोगे या तुम्हारे फ़ोन में वायरस आ जाएगा, जो कुछ भी होगा उसी पहले उससे पहले क्या आ जाती है, चेतावनी या क्वेश्चन होता है। तो कह रहा है इसके अंदर से कौन सा है जो क्वेश्चन करता है स्टॉक आउट, स्टॉक आउट की स्थिति आ सकती है, इस चीज़ को कौन सा लेवल डिनोट करता है। रीऑर्डरिंग लेवल का मतलब तो यह है कि स्टॉक कम होता जा रहा है, उसे ऑर्डर कर दो। तो स्टॉक आउट थोड़ी ना कि अगर अगर कोई फार्मेसी स्टोर है अगर रीऑर्डरिंग कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना उसके फार्मेसी से स्टॉक खत्म हो गया, कम हो गया, एक मिनिमम लेवल से कम हो गया तो क्या वापस रीऑर्डर कर देता ताकि स्टॉक मेंटेन रहे। मैक्सिमम लेवल सामान भरा पड़ा है, इसका मतलब ये है कि खाली हो जाएगा, स्टॉक आउट हो जाएगा, नहीं, एवरेज स्टॉक लेवल है तो इसका मतलब तो ठीक है, बिकेगी तो रीऑर्डर हो जाएगी, नहीं तो वही मेंटेन रखेंगे। स्टॉक आउट का मतलब क्या है, यहाँ मिनिमम लेवल पे, मान लो हम कोई भी चीज़ है उसकी मेडिसिन उसकी है, हम उसके 10 पत्ते रखते हैं एवरेज के अंदर, एक तो बिकता है, हम उसका एक दो क्या कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। कोई इंसान 9 पत्ते ले गया, एक लास्ट पत्ता बचा है, या 10 के 10 ले गया, तो हमारा वो क्या हो गया, स्टॉक आउट हो चुका। क्वेश्चन आ जाएगा कि इसे एमरजेंसी में जल्दी लाओ, क्योंकि ये क्या हो गया, हमारे अंदर स्टॉक आउट हो चुकी है, मिनिमम लेवल पे एक पत्ता बचा बस, तो बहुत मिनिमम लेवल पे बची ना, वो एवरेज क्वांटिटी से भी बहुत कम, तो ऐसे लेवल को क्या बोलते हैं, मिनिमम लेवल। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक है हमारा EOQ, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बराबर में लिखी भी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका एम होता है क्या, मिनिमाइजिंग, मतलब इसका जो इसका यूज़ करते हैं ये किस चीज़ को मिनिमाइज करने में करते हैं। इसका यूज़ हम ना होल्डिंग कॉस्ट और एक्सेस इन्वेंट्री को भी कम करने में करते हैं, मिनिमाइजिंग होल्डिंग कॉस्ट और एक्सेस, छोटा करना पड़ेगा, इन्वेंट्री, होल्डिंग कॉस्ट और एक्सेस इन्वेंट्री को कम करने में। इसके अलावा जो कैरिंग कॉस्ट है, मतलब लाने ले जाने की कॉस्ट है, इसे भी कम करने में यूज़ करते हैं। क्या इकोनॉमिक का मतलब भी क्या है, जो सस्ते में मिले सस्ते में बिके और बेचने में एक मतलब एक नॉर्मलाइज फ़ायदा भी हो इंसान को। ऐसी दवाई को ही तो हम इकोनॉमिक ऑर्डर बोलते हैं या इकोनॉमिक ड्रग बोलते हैं। तो ऐसी जो ड्रग है क्या होगी, इसके कैरिंग में भी कॉस्ट कम है, इसके ऑर्डरिंग में भी कॉस्ट कम है और ये अच्छी मतलब अच्छी क्वांटिटी में बिके। अगर मान लो एक ड्रग पे में 1 रुपया बच रहा है और वो बिकी एक पत्ता रहा है बस, तो मतलब एक पत्ते पे 1 रुपया बच रहा है तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर इकोनॉमिक ऑर्डर ड्रग है, 1 रुपये पे एक पत्ता बिक रहा है लेकिन एक दिन में 100, 150, 200 पत्ते बिक रहे हैं, तो ये क्या हमारे लिए कैरिंग कॉस्ट भी इसकी कम हो गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो गई और प्रॉफिट भी एक ठीक ठाक होता है। एक है VED, ऐसी चीज़ों की फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट होती है, तो हमें फुल फॉर्म मतलब देखनी होती है। अगर कभी मैं ना बताऊं तो आप मुझे या तो कमेंट कर सकते हैं या आप खुद भी देख सकते हैं, नहीं तो आप अगर कमेंट कर दोगे कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर फुल फॉर्म नहीं बताई थी, तो या तो मैं रीज़न बता दूंगा कि मैंने इसलिए इसकी फुल फॉर्म नहीं बताई, और अगर मैं बताना भूल गया होऊंगा तो मैं उसे कमेंट करके बता सकता हूँ, या आप खुद भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं तैयार हूँ बिल्कुल। मैं कोशिश करूँगा कि एक भी ये जो शॉर्ट फॉर्म है जैसे VED है और जो इम्पोर्टेंट भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि सारी मैं यहीं कवर करूँ, आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ताकि सारे कंसाइज मटेरियल मिले और ज़्यादा फैलावा ना हो। फैलाव होगा तो पढ़ने में से ज़्यादा टाइम उसे कंपाइल करने में लग जाता है, इसलिए हमें कंपाइल मटेरियल दे रहे हैं, मेहनत उतनी लगती है, वो आपकी जगह कोई और कर रहा है, मेहनत तो इसमें है
लेकिन एक कंपाइल वे में मिलता है तो इजी होता है, ज़्यादा बकवास नहीं करते, आगे चलते हैं। जो हमारा VED है, इसका मतलब बेसिक नाम मतलब होता है, वी का मतलब होता है वाइटल, ई का मतलब होता है एसेंशियल, और अब आधुनिक, डी का मतलब अपने आप ही अंदाजा लगा लिया होगा क्या होगा ये, डिजायरेबल, मतलब अंदाजे का मतलब ही हम पढ़ तो हमने रखा ही है, पढ़ रखा तो याद तो आ ही जाएगा, हमने अपनी फार्मेसी की जब पढ़ाई करी होगी तो पढ़ तो हम सबने रखा है तो याद तो आ ही जाता है, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। ये एनालिसिस किस चीज़ के लिए यूजफुल होता है? ये एनालिसिस हमारा क्या स्पेयर पार्ट्स के लिए यूजफुल होता है। अभी स्पेयर पार्ट्स बहुत को मतलब अटपटा लगेगा। देखो वाइटल ड्रग क्या होती है, जो बहुत ज़रूरी ड्रग होती है, हमारे पास होनी ही होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ना भी हो, मतलब वाइटल का मतलब ये है कि हमारे पास हर समय उपलब्ध होनी चाहिए। एसेंशियल क्या है, जो ज़रूरी ड्रग है, सबसे पहले हमें नीड वाइटल की होती है, फिर एसेंशियल की होती है, फिर डिज़ायरेबल है, इसके बाद जो कुछ बचा हो डिज़ायरेबल में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या नीड वाइटल की, फिर एसेंशियल की, और लास्ट में क्या आती है भाई, डिज़ायरेबल। ये सीक्वेंस कई बार अलग अलग तरीके से पूछते हैं वो। स्पेयर पार्ट्स मतलब अगर हमें हर तरह की दवाई है, इन तीन कैटेगरी में हमने बांट दी हो कि भाई ये जो हार्ट अटैक की दवाई है हमने वाइटल के अंदर रख दी, तो ये हर समय हर टाइम मिलेगी। दूसरी ड्रग है जो डायबिटीज़ वगैरह की है, ये हमने असेंशियल में रख दी, तो असेंशियल वाली भी हमारे हमें हर समय मिलेगी, थोड़ी कम क्वांटिटी में मिले लेकिन मिल जाएगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ एक भी गोली नहीं है। डिज़ायरेबल इनो हुआ और आपका एंटी एसिड हुआ, ये डिज़ायरेबल में होती है, तो ये भी क्या है हमें मिल जाएगी, लेकिन कई बार ये इनके मतलब हम जाते हैं फार्मेसी में उम्मीद करके कि हमें दवाई मिलती है, तो इस कैटेगरी में वहाँ भी रहता है कि वाइटल ड्रग्स है उनका स्टॉक हमेशा ही रहता है, फिर असेंशियल ड्रग का मेंटेन होता है, लास्ट में डिज़ायरेबल का होता है, तो ये हमें इस हिसाब से मिलती है। स्पेयर पार्ट्स का मतलब कोई सी भी अगर हम चाहें तो वो मिल सकती है, ये तीन कैटेगरी में है तो कोई सी ना कोई सी कैटेगरी में मिल जाएगी। ABC एनालिसिस क्या होता है? ABC एनालिसिस हमारा क्या होता है, ये मैंने पहले भी बता रखा है, ये जो VED है ये मैंने पहले भी बता रखा है, इसी क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और मैंने सबकी प्लेलिस्ट अच्छे से बना रखी है, आई बटन में जाके आपको मिल जाएगी, जैसे ही वीडियो खोलोगे आपको स्क्रीन पे आई बटन आ जाता होगा या बाद में भी आ जाता होगा, तो आई बटन से आप इसकी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से क्या है वीडियो देख सकते हैं। जो हमारा ABC है, ये हमारा मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, ए का मतलब एक्टिविटी बेस्ड, और सी का मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जो एक्टिविटी है इसके बेस्ड पे क्या होती है, कॉस्टिंग होती है, और ये हमारे किस चीज़ पे बेस होता है हमारा, ये जो हमारा जो वो होता है ना मतलब एनालिसिस या ABC मेथड होता है, ये कंजप्शन के ऊपर बेस होता है। मैंने मुझे लगता है शायद इसके ऊपर 5-10 मिनट दी थी समझाने में आपको, मैं तो यही सजेशन दूंगा, मैंने बताया था ये ए कैटेगरी की ड्रग है, ये बी की है, अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं इसे बिल्कुल भी खोल के नहीं बताऊँगा, आप उसे पिछली मतलब इसकी प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ज़्यादा अभी वीडियो भी नहीं डली है, और अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आती तो आप मुझे एक कमेंट करना, फिर मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको कैसे समझाऊँ। मैं अब हल्का सा अंदाज़ा देता हूँ, मैंने बताया था ए क्वांटिटी की ड्रग है, इनके अंदर क्या है, इनकी कॉस्टिंग तो ज़्यादा होती है लेकिन इनकी जो डिमांड होती है कम होती है, तो इन्हें उसी हिसाब से मतलब कम क्वांटिटी में मंगाते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है बहुत ज़्यादा होता है, 70-80%। बी वाली क्या है, ए वाली से कम कॉस्ट की होती है, लेकिन ए वाली जो अगर एक पत्ता बिकता है तो ये इसके 4-5 पत्ते बिक जाते हैं, तो ये क्या है इनकी कॉस्ट उससे कम होती है, और सेल भी इनकी क्या इनसे ज़्यादा होती है। सी कैटेगरी की कौन सी ड्रग होती है, सी कैटेगरी की वो वाली ड्रग्स होती हैं जो सस्ती होती है बहुत, मतलब इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हमारा बहुत कम लगता है, और इनका जो कंजप्शन है बहुत तगड़ा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बिकती है, उस बेस पे एनालिसिस करके ABC कैटेगरी में बांट देते हैं ड्रग्स को, कि भाई महंगे वाली ड्रग है तो 2 ही पत्ते मंगाएंगे, ये मीडियम रेंज की है चल 20 पत्ते मंगा लेते हैं, सस्ती है तो इसके एक काम करो 100 पत्ते मंगा लो, सबसे सस्ते 100 पत्ते लाने के बाद भी सबसे कम खर्चा इस पर होता है, सबसे ज़्यादा खर्चा अगर हमने कुछ अमाउंट फिक्स किया गया हम 3 रुपये का ऑर्डर करेंगे, सबसे ज़्यादा अमाउंट हमारा ए वाले में लगता है, फिर बी में, सबसे कम किस में लगता है, सी वाले में,
और सबसे ज़्यादा बिकती भी कौन सी है, सी वाली। इस तरह से इन्हें कैटेगराइज करते हैं। आप पिछली वीडियो में अगर जिसे याद इसमें समझ आ गया, बहुत शॉर्ट में बताया मैंने और समझ आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ईजिली समझ आ जाएगा। जिसे अभी समझ आ गया अच्छी बात है, जिसे अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ तो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, और अगर वहाँ से भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करना, फिर मैं बताऊँगा दोबारा। जो इन्वेंट्री है ये क्या होती है हमारी, देखो इन्वेंट्री होता है, जैसे मैं हूँ, मैं कोई फार्मेसी चला रहा हूँ, अभी मेरे पास क्या है, पैरासीटामोल के 50 पत्ते हैं, और मान लेते हैं क्रोसिन के एक ही हो गई वैसे तो, इसके भी 10 पत्ते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन के 20 पत्ते हैं, और हमारा ऑगमेंटिन के 10 पत्ते हैं, इसके इतने पत्ते हैं, और सालबुटामोल के इतने हैं, टेलमिसार्टन के इतने हैं, और मतलब जितनी भी बीपी की विल्डेग्लिप्टिन के इतने हैं, जो अब मैं सबके नाम बताने क्या बैठूँ, इस इसके इतने पत्ते हैं, जो मेरे पे लिस्ट तैयार हुई ना, यही क्या है मेरी इन्वेंट्री है। तो अब इस इन्वेंट्री के हिसाब से तो मैं ड्रग को कैटेगराइज करता हूँ, मैं VED सिस्टम से या ABC सिस्टम से, या मुझे ऑर्डर करना है तो इस हिसाब से तो देखूंगा कि अच्छा भाई इसका एक ही पत्ता बचा तो इसे ऑर्डर कर देता हूँ, इसके तो अभी 10 पत्ते हैं इसे रहने दो, अच्छा इसके 2 पत्ते हैं तो इसके 3 पत्ते ऑर्डर कर देता हूँ, एक एवरेज क्वान्टिटी हो जाएगी, हाँ इस तरह ऑर्डर करते हैं। तो ये जो हमारा इन्वेंट्री है क्या है, ये इररिलेवेंट है, मतलब बस बकवास की चीज़ है टाइम खराब करने की, इग्नोर कर दो कुछ नहीं। ओहो मैंने तो इसमें हाईलाइट ही कर दिया, ये इररिलेवेंट है, मतलब कोई भी इसका रेलेवेंस ही नहीं है, बेफालतू की चीज़ है, टाइम पास की, इग्नोर कर दो बिल्कुल, ऐसा थोड़ी ना है, इससे तो पूरी फार्मेसी चल रही है, जो ये काम नहीं करेगा तो उसकी फार्मेसी कहाँ से लूट जाएगा बेचारा बेफालतू में। तो ये क्या सिग्निफिकेंट पार्ट है कॉस्ट का, वही पता भी होना चाहिए। विच ऑफ द मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज सुटेबल फॉर अनएजुकेटेड मीडिया, कौन से ये विच कौन सा मेथड है एडवर्टाइजमेंट का जो क्या अनएजुकेटेड मीडिया या पर्सन के लिए यूज होता है। एक एजुकेटेड पर्सन है तो हम क्या अगर एक बोर्ड भी लगा देंगे तो उसको पढ़ के ईजिली कर लेगा, पता लग जाएगा उसे भाई इस चीज़ की दवाई है या ये सप्लीमेंट है, इस चीज़ का सप्लीमेंट है, यहाँ यूज़ होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों पढ़ के पता लगा लेता है। अब अगर कोई अनएजुकेटेड है, मतलब बेचारा पढ़ा ही नहीं, मे भी 70 कारण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा नहीं तो उसकी गलती है, उसे अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, छोटी उम्र में बेचारे के घर में कुछ ऐसी दिक्कत आ गई हो कि उसे छोटी उम्र से कमाना स्टार्ट कर दिया हो, ये और भी दुनिया भर के रीज़न हो सकते हैं, हम इस पे नहीं जा रहे। अनएजुकेटेड पर्सन के लिए मैगजीन देंगे, वो बेचारा बस फोटो ही देखेगा, उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। न्यूज़पेपर पकड़ाएंगे, मैंने बहुत से लोग देखे हैं अनएजुकेटेड जो न्यूज़पेपर में बस फोटो देखते हैं, एक दो पढ़ना भी सीख गए होंगे लेकिन मैक्सिमम मैगजीन में फोटो वो देख के बस पन्ने पलटते रहेंगे, फोटो देखते रहेंगे, तो वहाँ उनसे उन्हें थोड़ी ना मतलब उस एडवर्टाइजमेंट को ना कोई फ़ायदा थोड़ी ना मिलेगा, उसे तो बस यही दिखेगा अच्छा ये वाली हीरोइन है इसके ऊपर, ये वाला हीरो है बस, तो इससे तो उनका काम नहीं चलने का। उनके लिए क्या करना पड़ता है, ऑडियो विजुअल जो एडवर्टाइजमेंट आता है TV के अंदर, ये वाली गोली लो और 4 दिन में बन जाओ बलवान, सिक्स पैक निकाल लो, बाइसेप्स निकाल लो, देखे होंगे वो ऐड नहीं आते, वो फर्जी वाले ऐड होते हैं सब, बिल्कुल भी इनमें सच्चाई नहीं होती, ये खा लो 2 दिन में अपना 4 किलो वजन कम करो, 5 दिन में करो, ऐड आते भी आते ऐसे आते हैं कि वो बेचारे और ने क्या करते हैं मिसलीड करते हैं, लेकिन हम इस बात पर नहीं कर रहे हैं मिसलीड करना क्या करना है। बहुत से जो गवर्नमेंट ऐड चलवाती है वो उनके फ़ायदे के भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम के भी ऐड चलते हैं, तो कुल मिला के अनएजुकेटेड पर्सन के लिए क्या होता है ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया जाता है उन्हें किसी भी चीज़ की नॉलेज देने के लिए। सरकारी बहुत सारी स्कीम्स हैं, मनरेगा हुई और हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये जब स्टार्ट में चली थी उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, ये सब क्या ऑडियो विजुअल ऐड से ही चली थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इतना अच्छे लेवल पर एजुकेटेड नहीं है, जो इनका सारा जिन्हें पता हो कि ये क्या स्कीम है कैसे इन्हें यूज़ करना है, तो ऑडियो विजुअल ऐड चले थे इनके, इनसे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ा था पर्सन्स का इनके हमारे मतलब सिस्टम्स के अंदर। विच ऑफ दीज डाटा ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज मोर रिलायबल, भाई मार्केट हमें पता है कोई भी मार्केट हो, वो ऐसे नहीं चलती कि मालिक अपने घर पे बैठा है या उसका जो भी CEO है या ओनर है वो अपने घर पर आराम से बैठा, उसने खोल दी और उसका बिजनेस चलता जा रहा है। दुनिया भर के सर्वे मार्केटिंग और MR अलग घूमते हैं, उसके दुनिया भर की टीम अलग घूमती है, फ्री के सैंपल बांट रही है, कभी फ्री का कैंप लगा रहे हैं,
दुनिया भर का काम करते हैं। तो ये कहना है इसके अंदर जो डाटा लेते हैं ना, ये सबसे मोर रिलायबल डाटा कहाँ से मिलता है, ये होता है हमारा प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को क्या बोलते हैं, फर्स्ट हैंड डाटा भी बोलते हैं। ये डाटा हम कह सकते हैं वो डाटा होता है जो सीधा जो कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है ना, कंज्यूमर है, उससे जो फीडबैक मिलता है वो होता है प्राइमरी डाटा। इसके अंदर हम कह सकते हैं सर्वे वगैरह होता है। सर्वे हुआ, जो आपने देखा होगा सर्वे करते घूमते हैं या फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्कशन करवाते हैं। बहुत नहीं देखे अपना फ्री का प्रोडक्ट देते हैं, फिर कहते हैं बताओ आपको कैसे लगा, क्या कमी है, हम क्या सुधार कर सकते हैं, सीधा कंज्यूमर से या कस्टमर से तो पूछ रहे हैं। ये क्या हमारा फर्स्ट हैंड डाटा है, प्राइमरी डाटा, मोस्ट रिलायबल भी होता है। सेकेंडरी क्या होता है, इधर का माल उधर चेपना, मतलब कॉपी पेस्ट वाला काम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कॉपी पेस्ट ऐसा कुछ होता नहीं है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब, कॉपी पेस्ट का मतलब है कि हमने कंप्यूटर पर बैठ बैठ के, अच्छा ये वाली ड्रग है कैफीन है, तो अपनी मर्जी से कि कैफीन से तो ये हो सकता है, इसके नुकसान ये, हानि ये, हम इसमें ये करना चाहिए, जो अपने घर पे बैठ के डाटा बना के क्रिएट करके पकड़ा दे, वो होता है सेकेंडरी डाटा। मेन कंज्यूमर के हाथ से नहीं आता, तो ये सेकेंडरी है, ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता। अगर एक कंपनी है उसे चलने के लिए क्या, दोनों का मिक्सचर लेके चलना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर इतना चालू होता है या ऐसा होता है, मतलब चालू नहीं बोलेंगे, कस्टमर ऐसे भी होते हैं, उन्हें तुम कितना ही अपना कह दो कि अच्छा ठीक है इसके अंदर बताओ क्या दिक्कत है, सब कुछ भी ठीक होगा, इसकी तो कॉस्ट ज़्यादा है। अगर कहेंगे चलो कॉस्ट घटा के एक रुपये का एक दे रहे हैं, जब तक उसे फ्री में नहीं मिलेगी तब भी नहीं, अगर फ्री में भी दे दोगे, फ्री में देती तुम फ्री में दे रहे हो, इसका मतलब इसकी क्वालिटी ख़राब होगी। तो जो कस्टमर या कंज्यूमर डाटा है, जो प्राइमरी डाटा है, ये बहुत ही मतलब स्मार्टली हैंडल करके या यूज़ किया जाता है। ब्लाइंडली अगर इस पर यूज़ करेंगे तो ये भी कंपनी को डुबोने का काम करेगा। ये वैसे ही बता दिया, इसमें था नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इवैल्यूएशन एम सेट, जो इवैल्यूएशन होता है उसका क्या मकसद होता है। इवैल्यूएशन का काम होता है कि उसकी सैलरी पता लगाना कि भाई ये पिछले महीने से इवैल्यूएशन इसका हुआ है तो इसकी सैलरी बढ़ेगी, इसका इतने परसेंट इवैल्यूएशन हुआ तो इतनी सैलरी बढ़ा दो, इसके लिए थोड़ी ना होता है इवैल्यूएशन। रैंक करने के लिए कि भाई इसका इवैल्यूएशन हुआ है तो इसकी रैंक बढ़ा दो, नहीं भाई, एनी ऑफ द अबाउ तो हो ही नहीं सकता इस हिसाब से। ये क्या है, इवैल्यूएशन से क्या होता है, सीधा परफॉर्मेंस बढ़ती है किसी भी इंडिविजुअल की। तो ईजिली निकल गया ऑप्शन। इंडक्शन ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, अगर जब हम फार्मेसी के अंदर गए थे फर्स्ट टाइम, जिस भी हॉस्पिटल में आया, जहाँ भी आपने करी होगी, तो सबसे पहले ना हम वहाँ के एक तरह के क्या थे, न्यू पर्सन थे, तो हमें क्या पहले बताया था कि देखो आपको ऐसे बैठना है, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लेना है, इस तरह प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के पहले से इसका जो प्रिस्क्रिप्शन का नंबर है, नंबर नोट करना है अपने रजिस्टर के अंदर, फिर जो जो सी मेडिसिन है वो नोट करनी है, इनकी क्वांटिटी लिखनी है, फिर वो मेडिसिन क्वांटिटी लिखने के बाद उस मेडिसिन को निकालना है, कट करना है, बकाया जो पेशेंट है उसे देते समय समझाना है कि ये ट्वाइस अ डे है, थ्राइस अ डे है, विद फूड है, विदाउट फूड है, एट बेड टाइम है, बिफोर ब्रेकफास्ट है। एक ट्रेनिंग दी जाती है ना, इंडक्शन ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉय को दी जाती है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है उसके लिए। तो सबने ले ही रखी है, ट्रेनिंग तो कर ही रखी है, तो उसमें तय मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रखी या आपने एक्सपीरियंस नहीं ले रखा, लेकिन अपनी जो 500 घंटे की ट्रेनिंग है वो तो कर ही रखी है, उसी के बेस पे बात करता हूँ मैं हमेशा। रिक्वायरमेंट प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज, जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है ये क्या कंसिडर करती है, रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या करती है, नेगेटिव है, मल्टीपल है, नहीं, डिवाइजेबल है, नहीं। रिक्वायरमेंट प्रोसेस तो यानी कि किसी को रिक्वायरमेंट है, मतलब ग्रो हो रही है उसका बिजनेस। अगर मेडिसिन में रिक्वायरमेंट है तो पॉजिटिव है कि मेडिसिन जारी तो उसका हमें ऑर्डर करना है। अगर किसी के अंदर एम्प्लॉयमेंट के रिक्वायरमेंट, सॉरी रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्रूमेंट है, रिक्रूमेंट का मतलब है, इस पर ही आता है मैं वैसे चलता चलता, अगर कोई कंपनी है उसके अंदर नए लोगों को रिक्रूट कर रहा है, इसका मतलब कंपनी का साइज बढ़ रहा है, ग्रो कर रही है, तो एक पॉजिटिव चीज़ है ना। रिक्रूट का मतलब होता है नौकरी देना नहीं, या जैसे अभी फार्मोला क्लिनिक के अंदर क्या है, वैकेंसीज निकल रही है, इसी का बोलते हैं रिक्रूटमेंट। मोहल्ला क्लिनिक फार्मेसी की जो भी अपडेट आती रहेंगी तो आप चैनल पे बने रहना।
कोई भी नई अपडेट आएगी जब एडमिट कार्ड आएगा जो भी आएगा तो मैं बता दूंगा। तो आराम से हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है, ये सारा काम हम कर लेंगे, मतलब मैं कर लूँगा, हम मैं तो अकेला ही हूँ। बैंक प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस फॉर, जो बैंक है प्रोवाइड करता है फाइनेंस टू बिजनेस, जब जो सभी बैंक है बिजनेस के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है वो कैसे करता है? लॉन्ग टर्म के लिए, आज लो जैसे हम्बन टोटापोट चाइना ने लिया 99 साल के लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए आज लो अगले महीने वापस दे दो, मीडियम टर्म आज लो 5 साल में वापस दे दो। हाँ भाई तीनों काम करता है बैंक, मतलब 99 साल नहीं, मतलब 5 साल या 10 साल, 15 15 20 20 साल तक का भी लोन देता है बैंक। और मीडियम के अंदर क्या है, 2 4 5 7 साल के लिए, शॉर्ट टर्म 1 2 साल के लिए होता है। तो ऑल ऑफ द अबाव, ये एनी एनी कर लो, एनी या ऑल, ये हर तरह के लोन देता है कौन, बैंक। अब जो फिक्स रेट है, इस डिविडेंड इज गिवन टू द फिक्स रेट है डिविडेंड का क्या है, ये इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, या डिफर्ड शेयर्स होते हैं, या हमारे एनी ऑफ द अबव, मतलब वही ऑल ऑफ द अबव, ये हमारे क्या होंगे, फिक्स रेट डिविडेंड क्या होंगे हमारे, ये प्रीफरेंस शेयर होल्डर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स आर, जो शेयर होल्डर होते हैं क्या होते हैं, ये ओनर होते हैं, मैनेजर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, एनी ऑफ द अबव। अगर आपने किसी भी चीज़ का शेयर ले लिया किसी भी ब्रांड का, तो आप उसके उतने परसेंट के क्या हो जाओगे, मालिक हो जाओगे। तो ये क्या होते हैं, मालिक होते हैं। जैसे इस समय ट्विटर का मालिक क्या है, सारे शेयर किसने ले लिए, एलोन मस्क ने ले लिए, तो इस टाइम एलोन मस्क क्या है, ट्विटर का मालिक हो गया। एक बैंकर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कस्टमर, एजेंट ऑफ कस्टमर, या बोथ, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों ही होता है कस्टमर का। तो भाई बैंकर को तो सारे काम करने पड़ेंगे, तो प्रिंसिपल भी होगा और एजेंट की तरह भी काम करेगा, जैसी जहाँ नीड वैसे वहाँ काम, जैसा देश वैसा भेष। बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच डील इन, बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किस चीज़ के अंदर डील करती है। बैंक के अंदर डिपॉजिट करने जाते हैं, आ जाते हैं, पैसे के लिए जाते हैं, पैसे के लिए ही तो बैंक है, लोन लेने के लिए जाते हैं। आप में से अभी तक शायद कोई नहीं गया हो क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले स्टेज में हैं, लेकिन हाँ लोन लोन के लिए भी जाते हैं बिजनेसमैन वगैरह। तो क्या, ऑल ऑफ द अबव। इन ए कंसर्न ए टोटल एसेट इज, टोटल एसेट कितना है हमारा, 4 लाख रुपए। लाइबिलिटी कितनी है हमारी, 2 लाख रुपए। तो बताओ ओनर की इक्विटी कितनी होगी। सेम क्वेश्चन अगला भी है, देखो इसके लिए मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूले याद करने में एसेट के, कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है, मतलब यही फॉर्मूले होते हैं, तो जब आप इसे प्लस माइनस इधर उधर करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। सॉरी, टोटल एक तो होता है हमारा टोटल एसेट, होता है हमारा लाइबिलिटी, LIABILITIES, जो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, और साथ में क्या होता है हमारा कैपिटल, और दूसरा होता है हमारा जैसे यही टोटल एसेट बराबर, कहाँ गया, टोटल जो हमारा टोटल एसेट है ये क्या होगा हमारा, मतलब लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, लाइबिलिटी देखो अब हम सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर क्या है हमारा, टोटल एसेट कितना है, 4 लाख, लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख, ओनर इक्विटी पूछ रहा है। देखो अब मेरी राइटिंग थोड़ा अपना आप देखना, टोटल एसेट कितना है, 4 में एल से मतलब लाख, लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख। क्या पूछ रहा है, ओनर इक्विटी पूछ रहा है, ओनर इक्विटी पूछ रहा था, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो 4 में से 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, 2 लाख।
लैक बराबर ओनर इक्विटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 लाख। जिसे समझ नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा बताऊंगा। वैसे ये फॉर्मूला में पुट करके टोटल एसेट था, टोटल एसेट की जगह 4 लाख लिख दिया, लाइबिलिटी 2 लाख प्लस ओनर इक्विटी, बीच में बराबर का निशान था, हमें ओनर इक्विटी निकालनी थी, तो लाइबिलिटी क्या है इक्वल टू किधर चली जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा 4 लाख माइनस 2 लाख बराबर 2 लाख, 2 लाख क्या आ गया हमारी ओनर इक्विटी आ गई। ये तो कर रहा था हमने। एक देखो जो लाइबिलिटी है ये कितनी है हमारी 50,000, ओनर इक्विटी कितनी है हमारी 40,000, टोटल एसेट पूछ रहा है, टोटल एसेट पूछ रहा है, लाइबिलिटी कितनी है। अब ये मिटो देता हूँ, अब तो ये हो गया हमारा। लाइबिलिटी कितनी है हमारी 50,000, तो मैं इसे 50 के लिख दूँ और यहाँ हो जाएगा ये तो ऐसे। हजार में लिख दो, छोड़ा 50,000 की होगी हमारी लाइबिलिटी। ओनर इक्विटी कितनी बताई 40,000, बीच में प्लस का सिंबल भी था। देखो टोटल एसेट पूछ रहा था, टोटल एसेट बराबर लाइबिलिटी 50,000, ओनर इक्विटी 40,000, इन दोनों को जोड़ देंगे 90,000 की आ गई हमारी टोटल एसेट आ गया। ये ऊपर वाले फॉर्मूले भी तो हमने ऐसे किया था, टोटल एसेट 4 लाख है, लाइबिलिटी 2 लाख है, तो ओनर इक्विटी क्या होगी। टोटल एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, 2 लाख ये है, 2 लाख ओनर इक्विटी होगी, टोटल एसेट हो गया हमारा। तो बस आज ये लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 90,000। आज की वीडियो में इतना ही, कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी आप सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, और पढ़ के वाकई में दिन अच्छा जाता है। और आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।